सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। तो इंडियन ओवरसीज़ जो बैंक की जो नोटिफिकेशन आई है वो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में है। तो सिक्योरिटी गार्ड में आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी और इसकी ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका पैटर्न बताऊंगा, इसके कैसे सिलेक्शन पैटर्न होगा आपका, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलते हैं वीडियो तरफ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो दोस्तों इसका जो नेम है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2020। इसकी जो पोस्ट नेम है वो आपकी सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट होगी आपकी, स्टार्टिंग डेट आपकी 23 मार्च 2020 से इसकी स्टार्टिंग डेट हो चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट आपकी है वो 10 अप्रैल 2020 है। इसके एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस 0 ऑल कैंडिडेट्स के लिए 0, चाहे वो जनरल ओबीसी एसटी कोई भी कैटेगरी का हो उसके लिए आपके लिए एप्लीकेशन फीस 0 रुपये होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी जो जॉब लोकेशन है, तो जॉब लोकेशन आपकी चेन्नई में है। इसमें जो एज लिमिट है, तो आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 26 साल की एज है। इसके बाद आपकी जो एज में छूट मिलेगी वो आपको नोटिफिकेशन में आपको मैं बताऊंगा भी, ठीक है। इसके बाद जो नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 24 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो बहुत ही अच्छी भर्ती है। इसमें आपके जो जनरल कैटेगरी वाइज वैकेंसी में बताऊँ तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको हाई स्कूल सेकेंडरी मैट्रिक यानी 10th पास आउट होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी बोर्ड से आपको 10th की एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए। इसके बाद आपको मतलब वाउचर जो लैंग्वेज होती है, वहाँ की जो लैंग्वेज है मेन चेन्नई की, तो वो आपकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखना प्लस बोलना आपको आना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश लिखना या बोलना आना चाहिए। इसके बाद आपके पास आर्म फोर्सेज, अगर मान लीजिए अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हो तो अगर वो भी आपको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और आपका मेडिकल भी अच्छा होना चाहिए। इसमें आपकी जो फिजिकली डिटेल्स की बात करें तो उसमें जो पुशअप, इसमें आपके जो नंबर मिलेंगे पुशअप सेटअप के साथ, इसमें नंबर इसी में मिलेंगे, आपको कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें जो आपके 15 से 20 के पुशअप होंगे उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे, 21 से 30 पुशअप के लिए 25 और 30 से ज़्यादा के लिए आपको 30 नंबर के मिलेंगे पुशअप के, ठीक है। इसके बाद सीटअप में जो आपको 15 से 19 करेंगे आप तो आपको 20 नंबर मिलते हैं, 16 से 19 करेंगे तो आपको 25 और 30 से ज़्यादा करते तो आपको 30 नंबर इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद आपका रनिंग आपकी 1 किलोमीटर होगी, तो इसमें रनिंग में आपको जो 5 मिनट से 6 मिनट में आपको करना होगा तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 4 मिनट से 5 मिनट के बीच करेंगे 30, और 4 मिनट में करेंगे तो आपका 4 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो आपको 40 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका इसको अप्लाई कर लेना है आपको जल्दी से जल्दी। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे उसके बाद बता दूँ। डॉक्यूमेंट आपका 10th स्टैंडर्ड का लगेगा जो कि 200 KB इसकी साइज होगी। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आपके पास हो बेसिक कंप्यूटर का वो लगा सकते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं, आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। अगर आप दिव्यांग है यानी उसमें आते हैं विकलांग में, तो आप इसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसका लिया जाएगा। अब मैं इसकी नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, इसकी नोटिफिकेशन के बारे में मैं चलता हूँ। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन ये है इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, जिसकी जो रिक्रूटमेंट में जो आई है मैं इसकी सारी डिटेल्स में बता दिया है पहले से ही। तो आप इसकी सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में आपको जाकर पढ़ लेना है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को वहीं से जाकर आपको पढ़ लेना है, जिसमें सारी डिटेल्स में आपको लिखी हुई है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनलिटी है, उसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर आपको नेपाल का होना चाहिए, या फिर आपका भूटान का होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और इसमें आपको जो एज लिमिट में जो छूट मिलती है उसके लिए भी आप देख सकते हैं। इसमें जनरल के लिए जो 26 साल है एक्चुअल पीरियड के लिए, 26 साल से 45 साल के बीच में आपको होना चाहिए, ठीक है। इसमें एसटी के लिए भी 26 साल होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन इनके लिए छूट में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और इसकी मैक्सिमम एज आपकी 45 साल होगी। इसमें भी 45 में आपको 3 साल के लिए छूट दी जाती है, यानी 45 से जो 48 साल का भी वो भी आप उसको भर सकता है। ओबीसी के लिए भी 26 से इसमें आपको 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपकी थी एज में छूट कितनी क्या मिल रही उसके बारे में इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन आपको डिटेल्स में पढ़ लेना, तभी आपको ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।